अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ वोल्टेज ड्रॉप इन एसी ट्रांसमिशन लाइन। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूएई इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर 400 प्लस वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम वोल्टेज ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने एक जनरेटर दिखाया है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये लोड है। ये थ्री फेस लाइन है, इसको सिंगल दिखाया है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और यहां पर लोड लगा हुआ है। और इसमें करंट फ्लो होगा और इसी लाइन में ड्रॉप होगा। अब क्या होता है जब वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइन में तो कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है लोड टाइप्स। आर लगा है, एल लगा है या सी लगा है, सबकी वजह से ड्रॉप अलग अलग होता है। अब यहां पे सी लगा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अगर यहां पर एल लगा देंगे तो यहां वोल्टेज ज्यादा कम होगा और अगर यहां पर आर लगा देंगे तो वोल्टेज थोड़ा कम होगा। एल और सी का असर ज्यादा होता है वोल्टेज ड्रॉप में। नंबर टू है लोड वैल्यू। यहां पर लोड कितना है इसके हिसाब से यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा। नंबर थ्री है लेंथ एंड नंबर ऑफ लाइंस। ये लाइन कितनी लंबी है, ज्यादा लंबी है तो ज्यादा ड्रॉप होगा, कम लंबी है तो कम ड्रॉप होगा। अगर टू लाइन है तो ड्रॉप कम होगा। नंबर फोर लोकेशन ऑफ द लोड। ये जो लोड है ये यहां लगा है, लोड यहां भी हो सकता है, लोड यहां भी हो सकता है, लोड एक नहीं होता, लोड कई तरह के होते हैं। लोड और जनरेटर के बीच में लेंथ कुछ भी हो सकती है और लोड कई जगह हो सकते हैं। लोड अलग अलग जगह होगा तो अलग अलग लाइन की लेंथ होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होगा। नंबर फाइव है वोल्टेज लेवल। यहां पर वोल्टेज लेवल कितना है इस पर भी डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज लेवल ज्यादा होता है उतने परसेंट ड्रॉप कम होता है। वो लाइन अच्छी होती है। नंबर सिक्स है अदर लोड्स। यहां पर हमने एक लोड दिखाया है लेकिन बहुत से लोड हो सकते हैं तो इन सब लोड की वजह से ये ड्रॉप हो सकता है। मतलब यह कि इस पॉइंट पर जो ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 1% है, 5% है या फिर
10% है। तो हम ड्रॉप के हिसाब से लाइन या वोल्टेज डिसाइड नहीं कर सकते, ड्रॉप वेरिएबल होता है इन सब चीजों की वजह से। यहां पर हम आपको एक और बात बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन है ये 11 केवी की है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां से 11 केवी भेजेंगे और यहां पर 10 केवी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। 11 केवी का मतलब है यहां पर भी हमको 11 केवी ही मिले, यहां पर भी अपना वोल्टेज एडजस्ट करें या किसी और तरह से कंट्रोल करें। यहां पर वोल्टेज कई तरह से कंट्रोल हो सकता है, जैसे SVC लगाते हैं और कई चीजें होती हैं। यहां पर हमें 11 केवी का 10 केवी नहीं होना चाहिए, यहां हमें 11 केवी ही चाहिए। यहां 11 केवी से हमें यहां 10% केवी आए, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, हमको यहां पर 11 केवी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल UAE इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।